हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल केयरवेल फार्मा। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो हमारे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो चलिए इसकी फर्स्ट यूनिट को हम देखते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब ये सॉल्युबिलिटी को जानने से पहले हमको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए जानते हैं कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। सिंपल है, मीन्स जब हमारा कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सॉल्यूट पार्टिकल है, इसने क्या किया, ये सॉल्वेंट है, इसके साथ इसने डिसॉल्व हुआ और इसने यहाँ पे जाके सॉल्यूशन बनाया। अब डिसॉल्व से आप क्या समझते हैं, डिसअपीयर होना, मीन्स गायब होना। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है ना, ये इसके अंदर जाके मिक्स हो चुका है, पूरा मिक्स हो चुका है। तो क्या है, अब ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन रियल में ये हमारा है, होता है, इसी के अंदर होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन तो हमने जान लिया, अब देखते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो जो भी पार्टिकल हमारा लेस अमाउंट में होता है वो हमारा कौन सा होता है, सॉल्यूट, और जो पार्टिकल हमारा लार्ज अमाउंट में होते हैं वो हमारे होते हैं सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ चुके होंगे। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक शुगर सॉल्यूशन है, ये था, ये हमने लिया वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। अब यह हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये हमने क्रिस्टल लिए शुगर के, हमने क्रिस्टल लिए छोटे छोटे, हमने इसमें ऐड करने हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया, हमारा एक क्रिस्टल ऐड हो गया यहाँ पे अंदर। अब ये इसमें बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से, हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आप अगर इसमें एक तो नहीं कर सकते, आप इसमें और भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किए। अब हम इसमें कितने सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। मीन्स जितने हम मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आप समझ गए होंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 100 ml क्यों लिया, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं कि अब मैक्सिमम अमाउंट हमने सॉल्यूट की इसमें ऐड कर दी, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट को और थोड़ा इंक्रीज कर दें तो हम इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं सॉल्यूट को। इसलिए एक फिक्स पैरामीटर रखा गया, इसलिए फिक्स पैरामीटर क्या था, 100 ml रखा गया, जिसके अंदर जितना हम मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड कर सकें वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये है इसकी सॉल्युबिलिटी है, ये हमारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं, पूरी तरह से फिल हो रखे हैं सॉल्वेंट में, इसलिए मैक्सिमम है इस सॉल्यूट का, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्रेस वर्ड आप समझ रहे होंगे, एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी को। अब सॉल्युबिलिटी क्या थी, कि हम किसी भी मैक्सिमम अमाउंट में कितना पार्टिकल है उसमें सॉल्यूट कर रहे हैं, मतलब हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब वेरी सॉल्युबल मीन्स बहुत ही रैपिड क्विक, जैसे हमने ये है, ये हमारा कोई कलर है, वाटर है, ये हमारा कलर का ड्रॉप है। अब अगर आप इस कलर को थोड़ा सा भी इसमें करेंगे तुरंत वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वेरी क्विक हो रहा है, वेरी सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल क्या है, डिसॉल्व हम कर रहे हैं, हाँ अच्छे से एक दो सेकंड का टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ हो जा रहा है डिसॉल्व, ये हमारा फ्रीली सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल क्या है, हमने डिसॉल्व किया, हमने इसमें शुगर में ये हमने डाले, शुगर डाली हमने वाटर में, अब क्या डिसॉल्व नहीं हुआ, तो हमने क्या लिया, इसमें स्टिरिल ले लिया एक, इसको हमने क्या किया, राउंड राउंड घुमाया और ये इसमें डिसॉल्व हो गया। मींस अच्छे से हाँ डिसॉल्व हो रहा है, अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या है, हमने इसमें जैसे डिसॉल्व किया, ये हमारा, ये लीजिए, ये हमारा है एक सॉल्यूशन, इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ऐड किया या साल्ट सॉल्यूशन हमने ऐड किया। अब एक कंडीशन आएगी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे हीट हम अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा हीट अप्लाई की, तो क्या होगा, अब ये ईजिली फिर डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब आता है हमारा स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली क्या है, हम यहाँ पे हीट, हमने कोई सॉल्यूट डाला, डिसॉल्व नहीं हो रहा, हमने उसको हीट दी, फिर भी वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है डिसॉल्व होने में, तो हमने क्या किया, उसमें हमने स्टिरिल भी डाल दिया। मीन्स हम उसको टर्न भी कर रहे हैं, स्टिर भी कर रहे हैं और हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, वो हमारा ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्लाइटली सॉल्युबल हो गया। अब वेरी इनसॉल्युबल क्या है,
हमने ये तीनों काम कर लिए, हमने इसको हीट भी प्रोवाइड कर दी, हमने स्टीरियर से स्टर्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। मैक्सिमम ये समझ लो 1% चांस है, 1-2% वो डिसॉल्व होगा तो होगा, तो वो हमारा वेरी इंसॉल्युबल है। अब इंसॉल्युबल क्या है कि वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो हमारा इंसॉल्युबल है। मीन्स आप पत्थर को ले लो, अगर आप पत्थर को वाटर में कितना भी डिसॉल्व कर लो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स। अब थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये लिया एक ग्लास में, हमने सॉल्वेंट लिया, इसमें हमने ऐड की शुगर की ड्रॉप, शुगर के जो पार्टिकल क्रिस्टल हैं वो हमने ऐड किए इसमें, हमने मैक्सिमम अमाउंट में ऐड, हमने अभी इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड की। अब इसमें अभी और कैपेसिटी है, जब इसमें और कैपेसिटी है कि हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। ये हमारा अनसैचुरेटेड क्या है, विच कंडीशन, इन विच कंडीशन वी कैन ईजली ऐड मोर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, ये हमारा क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। अब हमने इसमें क्या किया, मैक्सिमम हमने सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिए कि अब इसमें हम और सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, हमारे मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो चुके हैं। तो हमारी ये कंडीशन क्या है, मीन्स आप ये समझिए ये हमारा सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने ये पूरा हमने फिल कर लिया उसके साथ, ये हमारे सारे के सारे हमने सॉल्यूट के साथ फिल कर लिया, अब इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें क्या होता है कि हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन हमारी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे थे ईजिली, अब अगर डिसॉल्व नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। अब हीट प्रोवाइड करके क्या होगा, इसके हीट प्रोवाइड करने से आखिर होता क्या है, आप ये समझिए कि ये हमारा कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। अब अगर हम इस पर हीट प्रोवाइड की, हमने यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड की अगर, तो इसके जो सरफेस है ना वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, ये थोड़ा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है इससे। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ है तो ये सॉल्यूट पार्टिकल भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल भी इसमें और ऐड हो सकते हैं, इतना इसलिए ये हीट करने से ये हमारा डिफरेंस होता है। तो ये हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होती है कि जब हमने इस पर हीट प्रोवाइड कर दी और इसमें हमारे जो हीट हो के हमारी और शुगर ऐड होने लगी, 1-2 चम्मच और ऐड होने लगी, एक कंडीशन क्या आएगी कि हम इसमें कितना भी ऐड कर ले वो हमारा उड़ने, वेपराइज होने लग जाएगा, मीन्स कि अब इसमें और शुगर ऐड नहीं होगी, ये हमारी मैक्सिमम शुगर इसमें ऐड हो चुकी है, ये हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है। ये हम मैक्स टेम्परेचर को मैक्सिमम कर देते हैं उसके, उसके बाद हम उसमें और सॉल्यूट ऐड करते हैं लेकिन वो ऐड नहीं होंगे। चलिए तो आज हम यहीं पे देखते हैं लेक्चर 1, अगला हम लेक्चर 2 में हम आगे देखेंगे बहुत जल्द आपके पास। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको फार्मेसी से रिलेटेड यहाँ पर और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।